तो ये है कॉर्बेट फॉल्स की टिकट विंडो, और यहाँ इस बोर्ड पर बहुत क्लियरली लिखा है कि कॉर्बेट फॉल क्षेत्र में नहाना सख्त मना है। और कॉर्बेट फॉल से कुछ ही दूरी पर यह डायरेक्शन बोर्ड है जहाँ फिर से लिखा है कि कॉर्बेट फॉल क्षेत्र में नहाना सख्त मना है। और ये रहे कॉर्बेट फॉल्स। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि बहते हुए पानी को देखकर भारतीय मर्द अपनी सफ़ेद बनियान और जांघिए में क्यों आ जाते हैं। ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई। वयस्कों की टिकट है 50 रुपए और 5 से 10 साल के बच्चों की टिकट 25 रुपए। हाँ बेटा जी, गाड़ी से ही अंदर जाना है। वहाँ पार्किंग एरिया है। अच्छा, मेरे बच्चे सारा ध्यान रखने लगे बातों को आजकल। कैप पहन के जा नकुल। आराम से नकुल आगे मम्मा को जाने दो, तुम दोनों गिर मत जाना। रुको पापा, आओ धीरे धीरे इधर भी सेंटर में चलो, सेंटर में नहीं गिर, आज ऐसे थोड़ी होते है। हाथ दो मित्रा, और ये रहा जिम कॉर्बेट म्यूजियम, कालाढूंगी, छोटी हल्द्वानी, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। म्यूजियम का टिकट है मात्र 10 रुपये और इसका समय है सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक का। शूट करने के बाद देख लो आपने क्या चीज देनी है। टी शर्ट्स हैं, पग मार्क्स हैं। नकुल ये आई एम नॉट बाइंग दैट सॉफ्ट टॉय, नो वे। कैप तो आपके पास है ही है, एक मग तो मग ले लेते हैं। आओ इधर आओ बेटा। ये क्या है, कब है ये, तो कब ये रहा एडवर्ड जेम्स जिम कॉर्बेट का बस्ट। और ये जो म्यूजियम है ये जिम कॉर्बेट का घर हुआ करता था, यहाँ वो रहते थे। तो इस पहले रूम में आपको उनकी मदर मैरी जेन, फादर क्रिस्टोफर विलियम और सिस्टर मैगी की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। और साथ ही उनके एक हंटर से लेकर नेचुरलिस्ट तक के जो सफ़र है उसकी तस्वीरें भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी।
और ये रही उनकी फेमस पेंटिंग जिसके नीचे आपको उन 10 मैनिटर्स की लिस्ट दिखाई देगी जिनका इन्होंने शिकार किया। ये टाइगर और लेपर्ड दोनों को मिलाकर ये लिस्ट बनाई गई है। और ये रही उनकी पालकी जिसमें बैठकर वो जंगल में जाया करते थे। तो ऐसे नहीं मारते थे, जो मैनिटर बन जाते थे, जो लोगों को तकलीफ पहुंचाते थे, हाथ मत दबा बेटा, दूर से करो। ये उनकी गन है। ये उस बंदूक की तस्वीर है जो 1907 में यूनाइटेड प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें भेंट की थी चंपावत के मैनिटर टाइगर्स को मारने के लिए। ये 1926 का कॉन्ग्रेचुलेटरी टेलीग्राम है जो जिम कॉर्बेट को भेजा गया था। ऊपर भी है ना, ये डेट लिखी हुई है ना, इसलिए कि आप वहाँ ना जा सको, कोई इसको डैमेज ना कर सके। ये केन का सब फर्नीचर है और उस समय यूज होता था जो याद है अपना फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में ऐसे ही रखी हुई थी बार चेयर्स, और ऐसा वो भी रखा हुआ था अपना टेबल। ऑलराइट, ये रहा इस रीजन का मैप, साथ ही वो लिस्ट जहां इन मैन ईटर्स ने कितने व्यक्तियों का शिकार किया, उनकी संख्या बताई गई है। सबका यहां डिटेल दिया हुआ है। जो चंपावत मैन ईटर है उसने 436 लोगों को मारा है, 400 पे है फनार मैन ईटर। तो ये है आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, ये इधर आपका रामनगर और ये इधर कॉर्बेट रिजर्व। और इसी के साथ म्यूजियम का ये एक छोटा सा टूर समाप्त होता है।